महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के कार्तिक चौक पर स्थित घंटेश्वर महादेव 84 महादेवों में 57वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार शिव जी के एक घंटा नामक गण को ब्रह्मा जी की सभा में जाने की सूझी, किंतु उसे न तो कैलाश से जाने की अनुमति मिल सकी और न ही ब्रह्मा जी की सभा के पार्षदों ने उसे वहां आने के संकेत दिए। इसी उहापोह में जब एक वर्ष बीत गया तो वह और अधिक व्यथित हुआ। तब देव ऋषि नारद ने घंटा को देवगुरु बृहस्पति के पास समस्या के समाधान हेतु भेजा और खुद कैलाश पर्वत पर सदाशिव के पास जाकर घंटा के विषय में निवेदन करने लगे। शिवलोक छोड़कर जाने के घंटा के अनुरोध से सदाशिव को क्रोध हो गया और उन्होंने उसे पतन होने का शाप दे दिया, जिससे वह देवदारु वन में गिर गया। उसका इस प्रकार पतन होते देख देवगुरु के संकेत पर ऋषियों ने उसे अवंतिकापुरी जाकर शिवोपासना करने को कहा। घंटा के अवंतिका में जाते ही एक पाप मोचक लिंग अवतरित हुआ, जिसके दर्शनों से घंटा पाप मुक्त हो गया तथा उसका पुनर्जन्म न हो इसलिए ऐसे विमान में बैठकर उसे शिवलोक ले जाया गया, जिसके आगे घंटा ध्वनि हो रही थी। शिवगण घंटा द्वारा पूजे जाने से इस दिव्य शिवलिंग को घंटेश्वर के रूप में पूजा जाने लगा। जो मनुष्य घंटेश्वर के दर्शन करता है वह मृत्यु के पश्चात सीधा स्वर्ग में जाता है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।